For more updates, don't forget to like, subscribe and share my channel and press the bell icon. Hello friends, welcome back to my channel. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बेबी के कॉन्स्टिपेशन के बारे में कि ये क्यों हो जाता है, क्या इसका ट्रीटमेंट है और कब जाके डॉक्टर से मिलना चाहिए. तो ये सारा कुछ मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे फर्स्ट मैं बता दूं कि बेबी को कॉन्स्टिपेशन जो है वो किसी भी एज में हो सकता है. अगर न्यूबॉर्न है तो उसे भी हो सकता है, 6 मंथ का बेबी है या अप टू 1 ईयर का है. तो ये किसी भी एज में बहुत कॉमन ये इशू आती है. जो बेबी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं, घर में ही ये ठीक हो जाएगा, बट उसके क्या क्या सिम्टम्स हैं वो मैं आपको शेयर करने वाली हूँ. सबसे फर्स्ट है कि जब बेबी को कॉन्स्टिपेशन होती है तो बेबी का स्टूल जो है काफ़ी हार्ड हो जाता है, ड्राई हो जाता है. उसके साथ साथ है कि जब वो स्टूल पास करेगा तो बेबी काफ़ी क्रैंकी हो जाएगा, बहुत रोएगा. थर्ड आता है कि अगर अर्ज तो होती है स्टूल पास करने की बट उसे पॉटी जो है वो निकलता नहीं है. उसके बाद टमी उसका बहुत हार्ड हो जाएगा या बहुत एक्सट्रीम केस में ये भी होता है कि ब्लडी स्टूल भी होने लगे बेबी को. तो अब इसके क्या ट्रीटमेंट है वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ. सबसे फर्स्ट है कि अगर आपका बेबी जो है ब्रेस्ट फीड ले रहा है और वो बिलो 6 मंथ है तो एटलीस्ट अप टू 5 to 6 डेज आपको वेट करना है बेबी के स्टूल को पास होने का. आपको ब्रेस्ट मिल्क जो है कंटिन्यू करते रहना है क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क जो है वो नेचुरल लैक्सेटिव है, वो काफ़ी हेल्प करता है पॉटी को क्लियर करने में, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लियर करने में. तो पॉटी को पास करने में वो जब हेल्प करेगा, इस वजह से आपको उसके ब्रेस्ट मिल्क को बिल्कुल कंटिन्यू करते रहना है अप टू 5 to 6 डेज विदाउट एनी वरी कि बेबी आपका पॉटी क्यों नहीं कर रहा है. अब बात करते हैं कि जो बेबी फॉर्मूला बेस्ड है उसके लिए क्या करना चाहिए. अगर आपका बेबी जो है फॉर्मूला बेस्ड है तो अप टू 4 to 5 डेज मैक्सिमम आपको वेट करना चाहिए उसके स्टूल को पास होने के लिए. अगर नहीं पास होता है 6th या 7th डे तब आप जाके डॉक्टर से मिलिए. डॉक्टर अगर रिकमेंड करते हैं कि उस फॉर्मूला को आप स्विच करने के लिए तब आप उसका ब्रांड चेंज कर सकते हैं. ये डॉक्टर के एडवाइस से ही आप चेंज करिए कौन सा फार्मूला आप दे रहे थे और डिपेंडिंग ऑन कौन सा फार्मूला पे डॉक्टर आपको स्विच करेंगे, क्योंकि वो इंग्रेडिएंट पे भी डिपेंड करता है कि किस तरह का बेबी फार्मूला ले रहा था जो उसको डाइजेशन होने में, डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लियर करने में प्रॉब्लम कर रही थी. तो उस सबको देखते हुए डॉक्टर पे उसको स्विच करेंगे. अगर आपका बेबी 6 मंथ एवव है तो उसके लिए क्या करना चाहिए. उसके लिए है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको बेबी को लिक्विड डाइट दीजिए. ज़्यादा से ज़्यादा आप पहले उसको वाटर दीजिए ताकि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम क्लियर हो, पॉटी जल्दी से जल्दी पास हो. थोड़ा गर्म पानी, ल्यूक वार्म वाटर बॉयल किया हुआ जो रहता है वो भी आप दे सकते हैं ताकि उसका बिल्कुल अच्छे से पॉटी वगैरह जो है जो नहीं हो रहा है वो क्लियर हो जाए. खिचड़ी बना के आप दे सकते हैं, बिल्कुल लाइट खाना आप बना के उसको दीजिए. उसके साथ साथ मैं कुछ फ्रूट्स बता रही हूँ जो काफ़ी हेल्प करता है बेबी को कॉन्स्टिपेशन में, वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ. उसका सबसे फर्स्ट में जो है आपका प्रून जूस. प्रून का प्यूरी बना के आप बेबी को दे सकते हैं. उससे बहुत जल्दी, मैंने खुद ये ट्रायल एंड टेस्टेड चीज़ मैं बता रही हूँ, मैंने खुद अपने बेबी पे टेस्ट किया है कि अगर उसे पॉटी नहीं हुई थी तो मैं प्रून जूस दे देती थी तो पॉटी बिल्कुल क्लियर हो जाता था. तो प्रून जूस है, पियर है, प्लम है, पपाया है, पीच है. तो ये सब आप सब देखिए, आप पी से ही स्टार्ट होता है. तो ये 5 पी फ्रूट्स मैंने बताया है जो आप बेबी को देंगे तो आप डेफिनेटली देखेंगे उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में क्लियर होने में और कॉन्स्टिपेशन में काफ़ी ये हेल्प कर रहा है. उसके साथ साथ जो है बेबी को फाइब्रस फूड दीजिए. ओटमील हो गया, स्पिनच हो गया, ब्रोकली हो गया, ये सब आप दे सकते हैं. उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइट खाना दीजिए ताकि उसे कुछ बहुत ज़्यादा फिर और कॉन्स्टिपेशन नहीं हो जाए. एप्पल जूस आप दे सकते हैं, ऑरेंज जूस भी आप दे सकते हैं. तो ये सब जब आप देंगे तो डेफिनेटली देखेंगे कि उसका कॉन्स्टिपेशन जो है ठीक हो रहा है, वो धीरे धीरे मोशन उसका क्लियर हो रहा है. उसके साथ साथ है कि आप उसके टमी पे अच्छे से मसाज दीजिए. और 2 एक्सरसाइज जो मैंने मसाज वाले में भी बताया था कि वो साइकिलिंग वाली आप एक्सरसाइज कराइए और प्लस बिल्कुल ऐसे उठा के
दोनों पैर को ऐसे उठाया और फिर आगे ले गए, फिर ऐसे उठाया फिर आगे ले गए, तो ये आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप ये कर सकते हैं कि बेबी को जितना से ज़्यादा हो, आप अगर थोड़ा बड़ा बच्चा है, 1 ईयर है या जो 6 मंथ एवब है, जो बिल्कुल अच्छे से बैठ सकता है, तो स्क्वैटिंग पोजिशन में उसको बैठाने का ट्राई करिए ताकि उसके पेट पे प्रेशर पड़े और उसका पॉटी जो है क्लियर हो जाए। तो ये सब कुछ रेमेडी मैंने बताया है जो आप ट्राई कर सकते हैं। उसके साथ मैंने जो बताया था कि अगर बेबी को जब कोलिक हो जाता है तो आप हींग भी चाहिए तो लगा सकते हैं। हींग लगाएंगे तो हो सकता है कि उसका पॉटी अच्छे से क्लीन हो जाए, क्लियर हो जाए। उसके साथ साथ थोड़ा कोलिक ड्रॉप भी आप दे सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ कि कब आपको डॉक्टर से डेफिनेटली जाके मिलना चाहिए, आपको वेट नहीं करना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि अप टू 5 to 6 days आप वेट कर सकते हैं जब ब्रेस्ट मिल्क बेबी ले रहा हो, बट उसके बाद 7 day भी, 8 day भी अगर बेबी आप देखें कि नहीं पॉटी कर रहा है, तब आप डॉक्टर से जाके मिलिए। फॉर्मूला बेस्ड है तो आप 5th-6th day आप डॉक्टर से जाके मिलिए। उसके साथ साथ है कि अगर बेबी बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रखा है या फिर उसे स्टूल तो पास हुआ बट बहुत ज़्यादा ब्लडी स्टूल हो रहा है, तो इस सब में आपको बिल्कुल वेट नहीं करना चाहिए, इसमें आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। डॉक्टर ही आपको बेस्ट एडवाइस देंगे, बेस्ट आपको रिकमेंडेशन देंगे कि क्या करना चाहिए। मोस्टली डॉक्टर जो हैं वो यही करते हैं, स्टूल सॉफ्टनर आपको दे देंगे, वो एक दो बार देने पे बेबी को अच्छे से निकल जाता है पॉटी। और दूसरा है कि क्लिस्ट्रीन सपोर्ट्रीज जिसको बोलते हैं, वो एक होता है कि उसके पॉटी एरिया में बिल्कुल डाल देने पे मैक्सिमम वो उस, चूँकि उसमें ग्लिसरीन रहता है तो मैक्सिमम 5 to 10 minutes में वो अंदर जाके बिल्कुल मेल्ट हो जाता है, तो पॉटी को क्लियर होने में बहुत अच्छा हेल्प करता है। तो हो सकता है डॉक्टर आपको वहीं पे बेबी को डाल दे या फिर वो आपको दे देंगे कि घर पे जाके आप डाल सकते हैं। तो जिसमें आप कंफर्टेबल हैं आप डॉक्टर से बात कर लीजिए, आप इसमें जाके दिखला सकते हैं। जो मैंने बताया है उस कंडीशन में अगर आपका बेबी है तो आप वेट कर नहीं करिए, आप मिल सकते हैं। तो बस ये सारा कुछ मैंने शेयर किया कि बेबी को जब कॉन्स्टिपेशन हो जाए तो क्या करना चाहिए। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्रेस दी बेल आइकन। थैंक यू, बाय बाय।